नमस्कार दोस्तों, हमारे आयुर्वेद चिकित्सा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना आइए भूलें। दोस्तों, आज हम करंज वृक्ष के औषधि गुण के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम इसके विभिन्न भाषाओं में नाम जानते हैं। हिंदी संस्कृत में करंज कहते हैं, बंगला में डहर करंज कहते हैं, मराठी में चपड़ा करंज कहते हैं, गुजराती में कड़ंजी कहते हैं, अंग्रेजी में स्मूथ लिप्ड पोन गोमिया कहते हैं, और लैटिन भाषा में पोन गेमिया लेवा कहते हैं। करंज का वृक्ष बहुत बड़ा होता है। करंज का वृक्ष ज्यादातर वनों जंगलों में पाया जाता है। इसके पत्ते पाकर के पत्ते के समान गोल तथा ऊपरी भाग में चमकदार तथा चिकने होते हैं। इसके फूल आसमानी रंग के होते हैं। फल नीले नीले गुच्छे झुमकेदार गुच्छों में लगते हैं। इनके पत्तों से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है। करंज के गुण, करंज पचने में चरपरी, नेत्र हितकारी, गर्म कड़वी कसैली तथा उदाबर्त, बात बात गुल में आरस अर्श व्रण व्रण कंठ विष कुष्ठ पित्त कृमि रोग चर्म रोग उदर रोग प्रमेह रोग और प्रीहा को दूर करती करंज है। के फल गरम हल्के तथा सिरा रोग बात कफ कुष्ठ अर्श कृमि तथा प्रमेह को नष्ट करने वाले होते हैं। करंज के पत्ते पचने में चरपरे भेदक पित्तजनक हल्के तथा बात कफ पित्त अर्श कृमि तथा घाव शोथ रोग को नष्ट करते हैं। करंज का तेल तीक्ष्ण गरम कृमिनाशक रक्त पित्त कारक तथा नेत्र रोग बात पीड़ा कुष्ठ कंड व्रण आरस तथा खुजली को नष्ट करते हैं। इसका लेप त्वचा विकार को दूर करता है। मधुमेह में करंज के फूलों का काढ़ा नियमित रूप से सेवन करने में से मधुमेह व मूत्र कक्ष में लाभ मिलता है। पथरी रोग में करंज के मिगी का चूर्ण 1 ग्राम 3 ग्राम शहद के साथ 1 ग्राम बढ़ते क्रम में 11 दिन चाटने से फिर 1 ग्राम घटते क्रम में लगभग 21 दिन तक चाटने से पथरी गल कर गिर जाती है। बवासीर में करंज के पत्ते 1 से 3 ग्राम घी या तिल के तेल में तलकर सत्तू के साथ मिलाकर भोजन के पहले लेने से बवासीर रोग में आराम मिलता है। भगंदर रोग में करंज की जड़ की छाल 50 ml या 2 ग्राम को दुधिया रंग की पिचकारी देने से भगंदर रोग के घाव जल्दी भर जाते हैं। करंज का तेल जोड़ों के दर्द बात रोग में लगभग 50 ग्राम 15 से 20 ग्राम लगभग 20 से 21 दिन तक लगातार मालिश करने से जोड़ों का दर्द और बात रोग में आराम। बीजों के चूर्ण को पलाश के फूलों के रंग की 21 भावना देकर सुखा लें और उनकी सलाइयाँ बना लें।
इन सलाइयों को पानी में घिसकर आँख में आँजने से आँख की पोली कट जाती है। करंज के पत्तों के रस 10 से 12 ग्राम में बाय बिडंग और छोटी मिर्च छोटी पीपरी का 1 ग्राम चूर्ण मिलाकर सुबह शाम खाने से यकृत व पेट के कीड़े नष्ट होते हैं।